आगे सुबह सुबह सोने दो मुझे। पहले अपने दोनों पांव नीचे रखो तो। पांव क्यों नीचे रखूं? तुम्हारे चरण छूकर आशीर्वाद ले लो, फिर जब तक जी चाहे सोते रहना बस। आशीर्वाद कैसा? आज से नवरात्रि शुरू है ना, तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना मुँह में अन्न नहीं ले सकती। चलो रखो तो चलो। जल्दी करो, न जाने तुम्हारे पुराने विचार कब बदलेंगे। पति को परमेश्वर मानना, मैं इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगी। अरे मत छोड़ो, चलो चलो जल्दी करो। बस बस बहुत हो गया, जीती रहो और मुझे सोने दो। मालकन टैक्सी वाला खड़ा है, मालकन उसे नीचे देकर पैसे दे देना। टैक्सी में कौन है? मैं मंदिर गई थी। वो लुगा पट्टा ड्राइवर क्या कर रहा था? वो भी तुम्हारी तरफ सो रहा था। कल बड़ी देर से आए। अच्छा चाय पियोगे या सोओगे? चलो चाय पिला दो, 9:30 बज गए। भाव सोच क्या शोर मचा रखा है? क्या मुसीबत है? वो टाई नहीं मिल रही जो मैं सूट के साथ पहनता हूँ। कौन सी? अरे वो नीली लाल धारे वाली, ये क्या करूँ? कोट की जेब में देखा? कोट की जेब में ले रखा है। और बंद रखिएगा, बगल में बच्चा शहर में ढंडोरा। घबराती क्यों? बगल में बच्चा तो आने ही वाला है। ये क्या कर रहे हो? ये आदमी जाके देख लेगा तो। क्या हुआ? मियाँ बीबी हैं। मियाँ बीबी हैं तो क्या हुआ? मुझे सब अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, बच्चे तक बात पहुँच गई, शर्म नहीं गई। छुपी नहीं हो रहा है, लगता है इसकी तबीयत खराब है। चाहे इसे डॉक्टर चाचा के पास ले जाओ, मेरा नाम ले लेना, दवाई दे देगा। अच्छा। अरे तुमसे कहा था गाड़ी में रख दो बक्से को, तुम यहाँ चले आओ। मालिक छुपके बंद नहीं हो रहा है, तुमसे तो कुछ नहीं आता, मुझे बुला जाओ। अच्छा मालिक, आप फिर कहीं जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा नहीं? ख्याल ले रहा होगा, 5:30 बजे ट्रेन से कलकत्ता जा रहा हूँ। चार तो बज चुके हैं, 1.25 घंटे में पहुंचने में लग जाएगा। फाल से बक्सा नहीं बंद रहा, बंद कर देगा उसे। अरे जल्दी कर शंकर, मुझे देर हो जाएगी। अभी तो हो जाएगी। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ लक्ष्मी, तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत हो तो अलमारी से निकाल देना, परसों तक आ जाऊंगा। लेकिन दो ही दिन तो बोलना आपको बाहर से आए हो, आज किस जा रहे हैं? तुमसे ऐसी बात कर रही हूँ जैसे मैं कोई रोमांस करने जा रहा हूँ। क्या पता, कमाल करते हुए कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, जरूरी काम है। बस जब देखो काम काम काम, न जाने दिन रात ऐसा कौन सा काम करते हैं। कभी कॉन्फ्रेंस है, कभी मीटिंग है, और मैं यहाँ के लिए रहती हूँ। मेरी जिंदगी में जान बना दी है तुमने। सुनो सुनो डालिंग, तुम्हें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानती हो गुस्सा करोगी तो आने वाले मेहमान पर क्या असर होगा। तुम्हें क्या चिंता है आने वाले मेहमान की? जाइए देखो रही होगी। देखो लक्ष्मी, तुम जरा जरा सी बात पर आउट ऑफ फोकस हो जाती हो, इसलिए तो मैं अपने आप को काम में उलझा रखता हूँ। जिस घर में सुख नहीं, शांति नहीं, जाता हूँ देखो। नाम भी हर जाए है, जुर्म गैरों ने
मैंने सजा पाई है जोड़ के हाथ में, कहती हूँ भरोसा कीजिए आपके प्यार में मरने की कसम खाई है जिन्हें हो प्यार सनम
पर वो आपकी राह देख रही होंगी। ऐसी कोई बात नहीं सितारा, हमने अपने बीवी से झूठ कह दिया कि हम कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा किया आपने, आप जल्दी चले जाते तो आपकी याद मुझे फिर सताने लगती। अब तो आप सुबह तक यहीं रहेंगे। हाँ सितारा, जी तो चाहता है कि तुम्हारे साथ इसी तरह। खैर तुम हमारी मजबूरियां तो समझती हो। समझती हूँ, आप मुझे घर की रानी नहीं बना सकते, कम से कम दिल की मलका तो बनाकर रखिए। ये तो हमारा दिल जानता है कि हमारी नजर में तुम क्या हो, मगर सितारा ये वक्त बातों में न जाया करो। इस वक्त हम हैं, तुम हो और ये हसीन रात। और इस खूबसूरत दरवाज के बीच में अगर मैं दीवार बन गई हूँ तो यकीन मानिए मैं आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। तुम यहाँ कैसे? ये देखने के लिए कि आप बिजनेस के बहाने कहाँ कहाँ जाकर रंगरिया बनाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको एक वेश्या के पहलू में देखूंगी। बकवास, एक जासूस की तरह मेरे पीछे पीछे चल जाएंगे। हम अपनी मर्जी के मालिक है, जो जी में आएगा करेंगे। तुम चले जाना। अच्छी बात है, आपके जो जी में आए कीजिए। नहीं, अब तुम सुबह तक यहीं रहेंगे। तो ऐसी हमारत कर देगा मैं सोच भी नहीं सकता। माफ कीजिएगा साहब, पहली बार गलती हुई। क्या लालच दिया था मार्किन ने? कभी कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। मार्किन ने पूछा साहब रोड पे पहुंच गए, मैं मुझसे निकल गया, साहब डब्बे में सवार हुए, गाड़ी निकल गई। गाड़ी इन तो गड़बड़ हो गई, हवाई जहाज की वजह गाड़ी कह दी और आपकी बात रखने के लिए गाड़ी का हवाई जहाज बनाया। इनको शक हो गया, उन्होंने फिर आपकी कसम दी। मुझे सच कहना पड़ा। अच्छा वो तूने सच बात कह दी, अब मुझे लक्ष्मी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सच और झूठ किससे कहेंगे? चुप है। क्या मतलब सच झूठ किससे कहेंगे? मालकिन घर छोड़ के चले गए। जी हाँ, कोठे से उतरी तो सीधी। चलो अच्छा नहीं आएंगे? नहीं, स्टेशन चलो। स्टेशन? हाँ, अब मैं दिल्ली में रही तो पागल हो जाऊंगी। तो आप कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर सामने पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह देना पुराने विचारों की बीवी से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। चलो। जब मैं किसी ने जाने के लिए इनकार कर दिया वो गुस्से में आकर गाड़ी उतरने लगी। मैं घबरा गया, मैंने सोचा कि गुस्से में उतर गई तो बस है, टैक्सी है, एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए मैं चुपचाप चलता रहा। फिर क्या, मैंने सोचा अब समझाने से काम नहीं चलेगा, इनको जहाँ जाना है वहाँ की टिकट निकाल कर खुद दे दो ताकि आप उसे मनाना है। ऐसे मजरूर और उसको मनाना तो क्या, मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि वो कहाँ गए। वो सिर्फ मेरे ही होते तो मुझे इस अपमान का दुख नहीं होता, उनकी मार खाकर भी मेरे दिल में शांति रहती कि मुझ पर उठने वाला हाथ मेरे ही पति का है। लेकिन वो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं थे। मगर बेटी ऐसे कितने ही मर्द हैं जो घर के बाहर अपना दिल बहलाते हैं मगर उनकी बीवियां घर छोड़कर थोड़ा चली जाती हैं। आप कुछ भी कहिए मगर मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने पति ही नहीं अपना परमेश्वर समझा था उन्हें, वो मेरी नजरों से गिर गए तो अब उनकी पूजा का पाखंड नहीं होगा मुझसे। मगर लक्ष्मी ये तो सोच, तू मां बनने वाली है, इसीलिए तो चिंता हूं, वरना मेरे विश्वास को ऐसा धक्का पहुंचा था कि मैं अपने आप को खत्म कर देती। उनका झूठा खाना मैं भगवान का प्रसाद समझकर खाती थी और वो एक वेश्या के लिए मेरी आंखों में धूल चौंकते रहे। आप इसे घर लौट जाने के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये दहेज में आकर इस घर को भी छोड़कर चली जाए।
जमाना बड़ा नाजुक है कुशलया, हम तो इसे बेटी की तरह समझते हैं। अगर ये किसी गलत जगह चली गई तो इसकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। Thank you.
की सेवा करना तो हम टैक्सी ड्राइवरों का फर्ज है। तुम ना आते तो गुंडा मुझे बहुत ही छेड़ता। अब कभी नहीं छेड़ेगा। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा। अरे कहाँ चलूँ? मैं तो यही रहती हूँ। वाह। हाँ, मैं चलती हूँ। हे डलावर साहब, जाओ अपना धंधा रोजगार देखो। हाँ जाओ जाओ। कंपनी का फाइल। थैंक यू राय साहब, आप तो उस वक्त की बातें पूछ रहे हैं जब जमील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। हमें भी तो दिल्ली छोड़े 20 साल से ऊपर हो गए। यहाँ वक्त गुजरते क्या देर लगती है? ये फाइल अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आया, वो आ गया। लाओ, तीन दफा लाया ना। इससे मिलो जमील, ये कमल मल्होत्रा, हमारा सारा कारोबार यही देख रहा है। बड़ी खुशी हुई आपको। और हम इसे बेचे की तरह चाहते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। सुनो, इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी करवा देना, देर ना हो जाए। जाओ लो भाई, अपना फाइल देख लो, फिर घर चलकर चाय पीते हैं। बहुत परेशान नजर आते हो कमल, क्या बात है? कुछ नहीं। मेरी कसम, बताओ ना क्या हुआ? क्या बताओ, राय साहब बहुत जल्द अकाउंट ऑडिट करवाना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम नहीं जानती जिलाब, मैंने कंपनी के साथ में से 40,000 रुपया खर्च कर दिया है, और राय साहब को इस बात का पता चल गया तो मैं उनकी नजरों से हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। कमल, आज जमील में बाहर बैठे। राय साहब, आपने दिल्ली ऐसी छोड़ी कि फिर वापस आने का नाम ही नहीं लिया। जमील मियां, दिल्ली में हमारी रखा क्या है? सच है, बम्बई की रंगीनी और दिलचस्पियां दिल्ली में कहां? ये बात नहीं, अब तो जिंदगी में भी कोई दिलचस्पी या रंगीनी नहीं रही। माना कि हमारा कारोबार पहले से बहुत बढ़ गया, लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस नहीं। वो मेरे बाप तक पहुंचे माँ, तो और गुस्सा आ गया मुझे। खून का रिश्ता होता ही ऐसा है। माँ, क्या बात है? दिल्ली जाकर एक नजर पिताजी को देखा। आज अचानक तुम्हारे दिल में एक ख्याल कैसे आया? क्या माँ के प्यार में कुछ कमी मालूम होने लगी? नहीं माँ, जो तुम्हारे नहीं हो सके वो मुझे क्या प्यार देंगे। मेरे मुंह से यह निकल आया। यू नहीं अशोक, उनको देखने की इच्छा तुम्हारे दिल से निकली है। अपनी माँ के लिए तुम इस भावना को दबा सकोगे? हाँ माँ, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। अब मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिससे तुम्हें दुख हो। अशोक। माँ, एक बात पूछूं? पूछो। पिताजी से जब तुम इतनी नाराज हो तो फिर अब तक उन्हें अपने पति के माने जा रही हो? उनसे नाराज होकर भी मैं उन्हें क्यों हूं? ये धर्म का बंधन अब चिता के आपके साथ ही खत्म होगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान में। बहुत अच्छे। अरे आओ भाई शीला, मालूम मत तुम भी आ रही हो तो साथ ही ले आता। बैठो, थोड़ी देर में होटल में तो नाच शुरू होगा, तब तक मैं गेम खेल लेता हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ कमल कि अब तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। अरे डार्लिंग, जुए में हारा हुआ जुए में ही तो जीतता है। बैठोगी? अच्छा तुम खेलो, मैं जाती हूँ। नाच नहीं देखोगी? नहीं। चलिए। अरे कमल बाबू खेलो, प्यार में तो ऐसा होता ही है।
प्यार करते हो या करके डरते हो या प्यार करते हो यार करके डरते हो यार यार तुम भी कमाल करते हो प्यार करते हो यार करके डरते हो यार यार तुम भी कमाल करते हो प्यार करते हो चाहिए लल्लू पंजू माँ तो हमारे निवाले गिनने लगी निखट्टू कहलाने से तो अच्छा है घर घर जाकर माल बेचे शुक्रिया याद है ये पोज मैंने किस फिल्म में दिया था अनारकली में इस फिल्म का हीरो डिमेलो था जो इंग्लैंड से बुलाया गया था आप लोग तशरीफ रखिए मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ मीना दो गिलास शरबत लाओ हाँ। ये कबाब में हड्डी कहाँ से हट जाती हूँ दरवाजा खोल बोल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कौन हो तुम लोग आप हो मिस्टर पंजू ये है मिस्टर लल्लू अरे पर क्या चाहते हो जी हम तो आपको चाहते हैं क्या कहा इनका मतलब है हम आपको बेचना चाहते हैं हम तो अपना माल आपको बेचना चाहते हैं ओ माय गॉड तो फिर जल्दी बोलो क्या बेचते हो अजी ये पूछिए कि क्या नहीं बेचते हम लोग क्यों सर और नहीं तो क्या इसने तो अपने खानदान की इज्जत तक बेच डाली है उस्ताद किसी हंसी पे अवार्ड मिला है मगर ये तो सब ठीक है ये तो तुमने अभी तक बताया ही नहीं
कि आखिर तुम लोग बेचते क्या हो बोलो। वैसे तो हम बहुत सी चीजें बेचते हैं, लेकिन आपके लिए अपने हाथ से बनाए खास चीज। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वापिस रखो हैं के बच्चे, रखो वापिस। अरे वो जो सामने रिपोर्टर साहब बैठे उनको दे के आ जाओ, चलो। हाँ तो वो खास चीज क्या थी? तेल। तेल? तुम दोनों पागल लगते हो मुझे, फिल्म स्टार तेल खाते, अरे असली घी का खाना बनावा खाते। आप हमारा मतलब नहीं समझी, हमारा तेल खाने का नहीं। नहीं तो क्या जलाने का है? जलाने का नहीं सर, में लगाने का है। अगर ये तेल आप एक हफ्ते इस्तेमाल कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी हीरोइन बालों की खूबसूरती में आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, जितना तेल तुम्हारे घर में बना हुआ है वो सब हमारे घर में दे जाओ। सेक्रेटरी, इनके तेल के दाम का चेक बनाकर इनके हवाले करो। थैंक यू। अरे भाई सुनो, नमूने के तौर पर वो जो तेल है ना सर चकरा रहा है चंपी के लिए। सुबह से मुबारकबाद के इतने फोन आ रहे हैं, एक्चुअली सर चकरा रहा है, सर में दर्द है, प्लीज। अभी अभी लल्लू। यस पंजू। चंपी चंपी। बड़े बड़े बात, सब जिनों को खत्म कर दूंगी। हाँ क्या वैसे तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे तुम्हारे काहे घबराए, तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, समझ गया कि आपकी लड़की को लड़का हुआ है, मगर कौन से हॉस्पिटल में? अरे तुम कैसा टैक्सी ड्राइवर है, आज तो घर सब पैसे भी बात करे। बिल्कुल बात नहीं, वो है नर्सिंग होम एड्रेस। मरे रे ये तो पूछवाना भूली गई। ए भाई वो टेलीफोन पर हॉस्पिटल और नाम पूछवाना भूली गई, वो हम ना पूछी ना मैं शू करू मारू चल चल उम्मीदवार कर। तेरा चाली ना जतो अहियां बैठ जा, मेहरबानी करजे तेरा। गाड़ी खाली है? हाँ खाली है, मगर जाना कहाँ है मालूम है ना? हाँ मालूम है, मगर क्यों? ऐसे ही बैठो।
दिन मुझे कुंडे से इसलिए बचाया था कि आज मुझे मार डालो। ऐसा ना कहो, मैंने तुम्हारे पुष्पन ए भाई, हमने तुमको कहा था कि हमको जल्दी जाना है और तुम छोकरे के साथ बातचीत करता है, हमको देर होता है। अरे तुम्हारी जल्दी की वजह से तो एक्सीडेंट हुआ है। जाओ दूसरे चलो, दूसरी टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो नाके पे खड़ी है, वो देखो वो नाके पे। अरे मेरा यहाँ तक का भाड़ा तो क्या माफ कर, चलो अब तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ दो। अरे बाबा मैं नहीं तुम्हारे साथ चलूंगी, टैक्सी वालों का क्या भरोसा। देवी जी क्या है? टैक्सी वाले भी इंसान होते हैं और उन पर भी भरोसा किया जा सकता है, समझे? अच्छा जी हाँ। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगी। लो तुम तो मजाक करने लगे। नहीं तो कल शाम को आ जाऊं, तुमको मुंबई की साइकिल लाऊंगा। लेकिन यहाँ नहीं आना, मैं तुम्हें बस्ती के बाहर सड़क पर मिलूंगी। पक्का? हाँ पक्का, चलो। सुनो तो हेलो देखो सर, यही हो टैक्सी ड्राइवर, सारा फोन पे इल्जाम लगाता और खुद बिंदिया को शीशे में उतार रहा है। उल्लू का पट्ट। अरे घबरा नहीं रमेश कुमार, फिर कभी ये छोकरा टैक्सी लेकर इस कंपाउंड के अंदर आएगा तो टैक्सी के साथ साले की टांग भी तोड़ दी जाएगी। आटा पिसवाने गई थी ये चक्की पीसने, दो घंटे से कहां मर गई थी तू? अरे मौसी आज मैं सचमुच मरते मरते बच गई, वो उस दिन का टैक्सी वाला था ना, वो आज मुझसे फिर टकरा गया। मेरा मतलब है उसकी टैक्सी टकरा गई, मैं गिर गई, मेरे पाँव में मोच आ गए। मैं जब रोने लगी ना तब उसने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उसे माफ कर दिया? देख फिर उस टैक्सी वाले से तू टकराई तो मुझसे टक्कर लेनी होगी, समझी? चल जाकर कचरा दे फिर आटा गूंद लेना। जाना पड़ेगा। अरे औरत बेचारे मशहूर था। हाय क्या सोच रही थी डार्लिंग? तुम्हारे बारे में झूठ। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? सोच रहा था कि वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। दुल्हन बनकर मैं इस होटल में नहीं आऊंगी। कमल तुम प्लेट कब खरीदोगे? इसका इंतजाम भी हो जाएगा हनी, पहले मैं ऑफिस के घपले से तो जरा निकल जाऊं। इस कपड़े से बहुत जल्द निकलना होगा, वक्त बहुत कम है। घबराओ नहीं, मैंने एक ऐसा प्लान सोचा है जो कभी फेल नहीं हो सकता। सच? और मैं भी सुनो वो प्लान क्या है। सॉरी बेबी, वो इतना घटिया प्लान है कि मैं तुम्हें बता नहीं।
सॉरी भाई जरा लेट हो गया, चलो। कहाँ चलूँ साहब? सांताक्रूज मैं इतने दूर नहीं जाऊंगा, वापसी में भाड़ा नहीं मिलेगा, आप दूसरी टैक्सी कर लीजिए ना। ये लो तुम्हारे वापसी का भाड़ा। गाड़ी तेज चलाओ। साहब पेट्रोल खत्म हो गया। कोई 20-22 वर्ष होगी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम होशियार और समझदार ही नहीं बल्कि शरीफ लड़के हो। तुमने मेरे 50,000 रुपए बचा दिए, इसलिए मैं तुम्हें जी नहीं, मुझे अपने फर्ज की कीमत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे फर्ज की कीमत नहीं दे रहा हूँ बरखुरदार, मैं तुम्हारी हिम्मत अफजाई कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कहना ये काफी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ। जोर लगा के मार के तेरे की धक्के मारते मारते तो दम निकल गया। इस टैक्सी ने तो हम पे टैक्स लगा दिया। पंजो अपन दूसरी टैक्सी लेंगे। वो एक एम्बेसडर आ रही है, चल लिफ्ट मांगे। लिफ्ट टैक्सी बुला ले। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कम वक्त टैक्सी खराब होगी भांजे, हमें अंधेरी जाना था। अंधेरी क्या, तेल लेने जा रहे हैं? तेल ले नहीं, हम तो नटराज स्टूडियो जा रहे थे। हमें फिल्म में चांस मिल गया, चांस। मैं उस पिक्चर का हीरो हूँ। हीरो? भैया तुम्हें अंधेरी तक छोड़ दो ना स्टूडियो तक। आज शूटिंग का पहला दिन है, देर हो जाएगी तो डायरेक्टर काम खा खबर हो जाएगा। आइए आइए बैठिए। चलो 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 जल्दी चलो भांजे। मामा फिल्म का नाम क्या है?
नेक दुल्हन कौन? वो पंजू साहब है। नमस्ते जी। वेरी गुड। देखो मिस्टर पंजू, मुंशी जी ने सीन तो तुम्हें समझा दिया होगा। जी हाँ समझा दिया, लेकिन डायरेक्टर साहब आप भी कुछ बता दीजिए ना, हमें क्या करना होगा। देखो मिस्टर पंजू, ये तुम्हारी दूसरी शादी है। है? मगर मेरी तो अभी पहली शादी भी नहीं हुई। अरे फिल्म की स्टोरी में ये दूसरी शादी है, यू अंडरस्टैंड। तुम सुहाग रात के कमरे में जाते हो और। लेकिन डायरेक्टर साहब फेरे तो हुए नहीं, शादी के बिना ही सुहाग रात। अरे बाबा, फिल्म में पीछे का सीन आगे और आगे का सीन पीछे शूट होता है। बच्चा पहले पैदा होता है, शादी बाद में होती है, यू अंडरस्टैंड। जी 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 डायरेक्टर साहब, ये तो बड़ी शर्म की बात है, शादी के पहले बच्चा। अरे पब्लिक इस सीन को पसंद करेगा क्या? यू शट अप, हमारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम उधर जाकर बैठो। गेट आउट, संभाल मुझे, लेट ओपी। देखो मिस्टर पंजू, हम तुम्हें जैसा समझाएगा वैसा ही तुम करना। तुम इस कमरे में एंट्री लेता है, सामने पलंग पर दुल्हन बैठी है, उसके पास चिराग जल रहे हैं। तुम करीब जाकर एकदम रोमांटिक मूड में ये शेर पढ़ दो, शबे विशाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बजम में क्या काम जलने वालों का। वाह 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 बाबा जी, क्या बात है। समझ गया ना? नो बी रेडी फॉर शूटिंग। लेकिन डायरेक्टर साहब, वहाँ कौन माचिस जलाएगा? अरे माचिस नहीं, वहाँ चिराग बुझाना है। ओ, मैं समझा माचिस। अरे सुनो तो, दुल्हन का घूंघट भी उठाना है। साइलेंस प्लीज, साउंड रेडी, गो प्लीज। शब्द विशाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की महफिल में इन जलने वालों का क्या काम। कब तक शर्माओगी, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। चलो चलो, एक से तो पीछा छूटा। पंजू अपना तेल के धंधे ही अच्छा है। चलो भाग के, भाग चलो। पता नहीं मोटी खाई चलेगी।
ये कपड़े मैंने अपने पिछले जन्मदिन पर बनवाए थे। अच्छे है ना? और इन कपड़ों में तो और भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, सामने देखो। खाकर तूने पान ओए होए खाकर, हाय खाकर तूने पान, कसम से ले ली मेरी जान तेरे मैं सदके जा। हाय खाकर तूने पान, कसम से ले ली मेरी जान तेरे मैं सदके जा। हाय रब्बा तेरी शान ओए होए रब्बा, दूर गया ईमान तेरे मैं सदके जा। खाकर तूने पान, कसम से ले ली मेरी जान तेरे मैं सदके जा। हाय खाकर तूने पान, बिजली गिरी गिरी, बिजली गिरी गिरी, होश रहेंगे उड़ते देखो ना हमको मुड़के, सजना घड़ी घड़ी, सजना घड़ी घड़ी, ओए होए ओए होए, कुर्ता जालीदार पजामा उस पे चूड़ीदार तेरे मैं सदके जा। आए तूने पान, दिन रात पीछे सजना मैं तेरे
से हो जाऊं बदनाम तेरे में सच के जान है। खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान तेरे में सच के जान है। खाकर तूने पान के मैं राजा आया प्यार बुरा भी लाया मुझसा कोई नहीं मुझसा कोई नहीं। ऐसा यार मिला है मुझको पहली बार तेरे मैं सदके जा पाए। रब्बा तेरी शान मेरा भी डोल गया ईमान तेरे मैं सदके जा पाए। खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान तेरे मैं सदके जा पाए। खाकर तूने पान तुम्हारा घर आ गया। जी नहीं चाहता घर जाने को। तो फिर मेरे घर चलो। हाँ कैसी बातें करते हो। अरे अपनी माँ से मिलाऊंगा, वो अपनी बहू से मिलने को तरस रही है। क्या बहू पसंद आएगी? क्यों नहीं, मैं अपनी माँ की पसंद को जानता हूँ। कपड़े भी नए और रूप भी नया, कहाँ से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो चमक छल्लो। चल तुझे इस आवारगी का मजा चखाती हूँ। चल मौसी सुनो तो, इस मोहल्ले की लड़कियाँ हमारी नाक है और जो कोई हमारी नाक काटना चाहता है हम उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, समझे? It is confidence and affection that has sustained our relationship so far. Thank you. Your sincere Dorka. इसी वक्त टाइप करके फौरन भेज दो। और सुनो, ये ऑफिस का ड्रेस नहीं, जरा मिनीस्कर्ट लंबा पहना करो। अंकल क्या हुआ? अंकल उस टैक्सी ड्राइवर के घर का पता मैंने लगा लिया। अच्छा किया तुमने, कहाँ रहता है वो? वर्सोवा के एक छोटे से चाल में रहता है। ये लो, उसकी गैर हाजिरी में घर में किसी को दे देना, शायद घर वाले रुपए लेने से इनकार न करें। अगर इनकार करेंगे तो वापस ले आऊंगा। आपके दिल पर बोझ तो नहीं रहेगा, एहसान का बदला चुकाने की आपने कोशिश नहीं। जाओ। मेरे अशोक से कुछ काम था। आप अशोक की माँ? जी हाँ। लेकिन आप इस तरह घूर-घूर के क्यों देख रहे हैं? जी वो मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जिस अशोक से मिलने आया था आप उसकी माँ नहीं। माफ कीजिएगा, किसी ने गलत पता बता दिया। कम इन, आ गए तुम? उसे रुपए दिया है? जी हाँ। किसने लिए? उसकी माँ ने। अच्छा किया तुमने, उस लड़के का हम पर बहुत बड़ा एहसान था। वैसे तो उसकी माँ भी लेने से इनकार कर रही थी,
मैंने उसे मजबूर कर दिया, ले लिए। अच्छे लोग मालूम होते हैं। एक दिन हमें ले चलो उनके घर। जी आप वहाँ कहाँ चलेंगे, वर्सों वहाँ चाली में। अच्छा तूने अपने घर लिया ना। आइए आइए तशरीफ लाइए भागा जी, आइए भागा जी, आइए तशरीफ भागा। बेबी भागा नहीं, ये बंगाल के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, श्री राम नारायण भागा। नमस्कार मास्टर जी, हमारा भाग्य। और ये है, अरे जानता है जानता है, सारा इंडिया इनको जानता है, ये तो ट्रेजेडी क्वीन है। मिस्टर भागा, यही तो मेरी ट्रेजेडी है, मैं कॉमेडी करना चाहती हूँ और ये फिल्म वाले मानते ही नहीं। जाने दीजिए, सुना है आपने कोई एक नया हीरो पसंद किया है। ये हीरो पसंद किया था मगर बेबी को और डायरेक्टर साहब को पसंद नहीं। एक आते है लो, मोती तक को पसंद नहीं है पर मारे को एकदम पसंद है। आप शोला ने फिल्म बोल रहे भाई साहब, डायरेक्टर साहब इसी को हीरो बना लो। सेठ जी आप कुछ नहीं जानते, आप चुप रहिए। मैं कैसे चुप रहूंगा, पैसों तो मारो राजा मारो। हाँ भागा जी, मैं चाहता हूँ कि इस रोल के लिए कोई राजेश खन्ना जैसा हीरो लिया जाए। मेरी ये कहानी नेक दुल्हन एक नहायत ही इमोशनल ट्रेजेडी है और मेरा दावा है कि इस पिक्चर को देखकर पब्लिक रोए बगैर नहीं रह सकेगी। लेकिन डायरेक्टर साहब, ऐसी फिल्मों के साथ एक तो ऐसा होता है कि पब्लिक कम रोती है और डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर तो ज्यादा रोते हैं। लिया डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब थारे को हमारी एक सजेशन है, कहते कोई हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म बनाओ, इस फिल्म का नाम बदल दो और नटखट दुल्हनिया नाम रख दो। बिल्कुल ठीक, ठीक हो नटखट दुल्हनिया का पार्ट बहुत अच्छा करे। मास्टर जी वाह 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 वाह, क्या बात करिए भागा जी। डायरेक्टर साहब के इनकी हीरो को ले लो, तारा क्या ख्याल है भैया। और डायरेक्टर साहब अपना वो गाना है ना, जैकेट में पैकेट पैकेट में पैकेट जैकेट में पैकेट पैकेट में पैकेट। कौन है कौन है? नहीं नहीं आप कुछ नहीं कहा, वहाँ कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, मैं अपनी है। बड़ी नटखट है हीरोइन सारी पर है दराजी। लो अशोक लड्डू खा। क्या बात है मामा, तुम्हें तेल का बड़ा ऑर्डर मिल गया है क्या? अरे नहीं प्यारे, वो फिल्म का काम फिर से मिल गया है। अच्छा तो अब तुम नया तिगड़म किया होगा। बिना तिगड़म किए दुनिया में कोई काम नहीं होता भांजे। शूटिंग के सिलसिले में मामला से जा रहा हूँ, उन लोगों को एक टैक्सी की जरूरत है, मैंने कह दिया मेरे भांजे के पास भी एक टैक्सी है, तुम भी साथ चलो ना। मगर इतनी दूर जाने के लिए माँ इजाजत नहीं देगी। अरे दीदी को मैं समझा लूंगा, पैसे काफी मिलेंगे। सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं, बिंदिया को मुझे बताना पड़ेगा। बिंदिया ये कौन है? क्यों भांजे कहीं यहाँ की लड़की है क्या? दीदी को बता दिया? अभी नहीं, आप भी कुछ मत बताना, महाबलेश्वर से आगे बताएंगे। अच्छी बात है, तुम महाबलेश्वर जाना पक्का, तो खा लो लड्डू, तो शादी भी पक्की पक्की। तेरा तो हर काम उल्टा होता है, कहा था इस ब्लॉग को धोने को और धो डाले ये सब कपड़े, क्यों क्यों हाथ पड़े हो? मैं क्या जी, वो मुंडा कितने गया? तुम्हें अस्पताल जाना है। मैंने अस्पताल जाना है? अरे तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई है, मैं क्यों अस्पताल जाने लगी? ओ जी सानू की बता, मुंडा टक्सी लिया सी, कहता सी माता जी ने हॉस्पिटल जाना है। इस कुड़ी का प्राण मालूम होता है, बिल्कुल शक्ल मिलती उसका। देखिए सरदार जी, मेरा कोई भाई भाई नहीं। कमाल दी गल है, बिल्कुल ऐसा ही शक्ल सी। सरदार जी पड़ोस में किसी ने बुलाया होगा, जाइए यहाँ से जाइए। नीचे नल पर ही भूल के आई, जल्दी जाकर ले आ, नहीं तो कोई वहां से लेकर चंपत बनेगा, समझी? तेरा तो हर काम
चाहता है कि समुंदर में कूद पड़ूं। तैरना आता है? तुम्हें तो हर वक्त मजाक सुझाई देता है। और नहीं तो क्या, आखिर मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ, कोई लंदन अमेरिका थोड़ी जा रहा हूँ, और वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए। 8 दिन? ये 8 दिन मेरे लिए 8 साल के बराबर होंगे। लो, तुम तो फिल्म की हीरोइन जैसी बातें करने लगी। नहीं अशोक, इसे मजाक में मत डालो। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे, तब तक मैं मौसी की कड़वी बातें सुन सुन के दिन काट रही थी। अगर अब तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आता। जी तो मेरा भी नहीं करता जाने को। तो फिर क्यों जा रहे हो? इसलिए इस बहाने कुछ पैसे मिल जाएं। ये फिल्म वाले अच्छे पैसे देते हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी से 2-3 हजार का जमा हो जाए ताकि मैं नई टैक्सी खरीद सको। अरे पगली, 2-3 हजार में टैक्सी थोड़ी आती है। फिर? मैं तो शादी का सोच रहा था। अच्छा अच्छा, तो 2-3 हजार में तुम बीवी खरीदना चाहते हो? खरीदना नहीं, उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बोलो बिंदिया, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, मेरी जीवन साथी? अरे जा जा। अरे ठहरो, अरे सुनो, अरे सुनो। देखो मिस्टर पंजू, तुम अपनी महबूबा की तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें मिल जाती है। अब तुम उसके साथ एक मोहब्बत भरा गीत गाना है, यानी एक रोमांटिक सॉन्ग, समझे? मगर डायरेक्टर साहब, मोहब्बत भरा गाना गाने के लिए उसकी कमर में हाथ भी डालना पड़ेगा, उसको गले से लगाना भी पड़ेगा। तुम जो जी चाहो करो, तुम तो हीरो हो, हीरो को तो 7 खून बाप होते हैं, समझे? प्लेबैक रेडी? यस रेडी। देखो मिस्टर, तुम अपनी टैक्सी एक तरफ कर दो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने गाना पिक्चराइज करना है। क्यों मास्टर जी, रेडी? हम तो कभी के रेडी। मामा, आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है जैसे आकाश पर आ गया, अपने जान के पास। अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो डर किस बात का? ये दुनिया प्रेमियों की है और इस दुनिया में रहने का हक उन्हीं को है जो प्यार करते हैं। तो तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार है? अपने दिल से पूछो। और हमेशा रहेगा? हमेशा। कहो तो उनके चांद की गवाही दिलवा दूं? मुझे ऐसा गवाह नहीं चाहिए जो अंधेरी रातों में प्रेमी उसे अपना मुंह छुपा लेता है। तो फिर मेरा विश्वास करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो फिर मुझे अपनी सांसों में बसा लो। देखना ले। मौसी तो देख रही है, पर ये सब हो क्या रहा है? किससे बातें हो रही थी? मैं चांद से बातें कर रही थी मौसी। मैं सब जानती हूँ तू किससे बातें कर रही थी। चल जा, चुपचाप सो जा, कल से तेरा उस टैक्सी ड्राइवर से मिलना बंद, समझी? जा। तू भी चांद से बातें कर रहा है? मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रहे उस्या। अगर राय साहब को उनकी लक्ष्मी मिल जाए तो मेरी लक्ष्मी मारी जाएगी, मेरे सपने कभी पूरे न हो सकेंगे। तो फिर तो ऐसी तरकीब सोचो कि राय साहब को उनकी पत्नी और लड़के का पता ही न चलने पाए। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है
पिता की माँ और बेटे दोनों को। अगर दवाई से काम चल सकता हो तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है? यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि सब काम ठीक हो जाएगा। मगर जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर। तुम्हारे पति कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर यहाँ किस मतलब से आए हो? मेरा पता किसने दिया तुम्हें? कल जो यहाँ आया था। कल? कौन था वो? उसने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली? नहीं। तो सुनो, उन्हें दूसरी शादी किए हुए एक अरसा हो गया, उनकी बेटी भी जवान हो गई। बस यही कहना था तुम्हें? असली बात पर तो अब आ रहा हूं। कल जो आया था वो तुम्हारे पति का दामाद बनकर उनकी तमाम दौलत का मालिक बनने वाला है। मगर तुमसे और तुम्हारे बेटे से खतरा है उसे कि तुम दोनों अपना हक जताकर उसका खेल बिगाड़ सकते हो। तो उसे कह देना अगर हमें अपना हक जताना होता तो दिल्ली दूर नहीं थी। वो मेरी तलाश में यहां आए, मेरी तस्वीरें छपवाई। पति की दौलत का इतना ही लोभ होता तो मैं कभी की लौट गई होती। मगर हो सकता है बाप की दौलत का लोभ तुम्हारे बेटे को हो। जी नहीं, मेरा बेटा सिर्फ इतना ही जानता है कि उसके पिता से नाराज होकर मैंने अपना घर छोड़ा था। वो तो कितनी दौलत के मालिक है ये न मैंने उसे कभी बताया है न बताऊंगी। अपने बेटे को मैंने उनकी तस्वीर तक नहीं दिखाई ताकि पिता को देखने के लिए उसका मन न ललचा जाए। तुम समझदार औरत हो, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जबान हमेशा के लिए बंद करने आया था। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। मगर इतना याद रखना, जिस दिन तुम्हारी जबान खुली ये चाकू भी खुलेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। अपने बेटे से छिपाकर रखी हुई इनकी तस्वीर भी तुम्हें दिए देती है ताकि मेरी आंखें बंद हो जाने के बाद भी मेरा बेटा अपने बाप के बारे में कुछ न जान सके। तस्वीर कहां? ये रही। अब तुम्हारे बेटे को किसी से कोई खतरा नहीं। कौशल, लक्ष्मी की खबर लेके आया हूं। मैंने उसे ऐसी धमकी दी है कि वो कभी अपनी जबान नहीं खोले। इससे क्या होता है? वो न सही अशोक तो अपनी जबान खोल सकता है। बिल्कुल नहीं, मैंने उनके सब रास्ते बंद कर दिए। वो कैसे? लक्ष्मी राय साहब से तो नफरत करती ही थी। मैंने उससे कह दिया कि राय साहब ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक लड़की भी है। ये सुनकर तो उसका जुलूस ही निकल गया। ये अच्छा किया तुमने। और ले दे कि उनके पास एक ही सबूत रह गया था जिससे अशोक को पता चलता वो भी हत्या किया। लेकिन अगर लक्ष्मी ने यह जानने की कोशिश की कि राय साहब की लड़की कौन है तो सारा पोल खुल जाएगा। ओहो, तो यह कौन सी मुश्किल बात है? इस लॉकेट की मदद से किसी भोली भाली लड़की को राय साहब की औलाद बना दीजिए और कुछ दिनों के बाद राय साहब के दामाद बनकर ऐश कीजिए। क्यों कैसी कही? वो तो ठीक है, मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहां? इसका भी बंदोबस्त कर रखा है गुलाम ने। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। माला माल कर दूंगा तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। दीदी, कोई बात है एक शरीफ औरत को कहीं ले जाने का? अरे चिल्लाती क्यों, अपने ही घर तो लाया हूँ और वो भी फिर तुम्हारी भलाई के। अब इनसे मिलो। कमल बाबू, बहुत बड़े आदमी। नमस्ते। शाम से मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी। क्या आप बहुत धांसू औरत है? मस्का मत लगाओ, काम की बात करो। बात बड़े राज की, मगर वादा करो ये राज तुम्ही तक रहेगा। घबराओ नहीं, कर लो बात, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ।
कमल बाबू बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, तू कहता है तो वादा कर ले। बैठ जा। ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी, अब तेरे नसीब जाग गए हैं। मैं समझी नहीं मौसी। अरे तू तो ना समझ ही रहेगी। अरे पगली, तुझे मालूम है तो किसकी बेटी है? तुम्हारी सगी बहन की, जो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो एक बहुत बड़े आदमी की बीवी थी। तेरे पैदा होने से पहले एक अपमान के कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ मौसी? उसे मैंने पनाह दी, एक बहन की तरह से रखा। मरते वक्त उसने तुझे मेरे हवाले किया और किसानी का ये लाठी भुजिया जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा ताकि कभी तेरे पिता का ठिकाना मालूम हो जाए तो मैं तुझे उन्हें सौंप दूं बेटी। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, ईश्वर की कृपा से तेरे पिता का पता चल गया। कल मैं उनकी अमानत उन्हें सौंप दूंगी। नहीं मौसी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे अपने वचन का पालन करना ही पड़ेगा। मगर बेटी, अपने पिता के यहाँ जाकर इस बदनसीब मौसी को मत भूल जाना बेटी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग कमल। क्या फाइल फाइल लिया अंकल? इन चिट्ठियों के जवाब देना बहुत जरूरी था, आप कल भी दफ्तर नहीं आए। अरे भगवान दास के लड़के की शादी में जाना जरूरी, सलाह देख लेता हूँ। अंकल, एक औरत आपसे मिलने के लिए बड़ी देर से बाहर खड़ी है, कहती है कि राय साहब से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी। साथ एक लड़की भी है, वो तो जबरदस्ती आना चाहती थी, मैंने उसे रोक दिया। कुछ मांगने मांगने आई होगी, उसे दे दिला के अलग करो। लो फिर तुम गुस्सा ही अंदर। मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, कुछ देने आई। कौन तुम? एक विधवा गरीब दुखी। क्या चाहती हो? आपकी अमानत आपके हवाले करना चाहती हूँ। कौन सी अमानत? आपकी बेटी। बेटी? राय साहब की बेटी? हम समझे नहीं। लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी थी ना? हाँ। ठीक है, मतलब क्या अब वो उनका उनका देहांत हो चुका है? अरे देहांत हो चुका कब? वो आपसे लड़कर जब बंबई आई तो इधर उधर भटक रही थी, मां बनने वाली थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, मगर चंद ही महीनों के बाद एक लड़की को जन्म देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। आओ बेटी, आओ मेरी बच्ची, आओ। ये रही आपकी लड़की, अब आप ही इसे संभालिए। जाओ बेटी, अपने पिताजी के चरण छू लो, जाओ। कल ये कहीं कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं? तुम यही बंबई में रहती हो ना? लेकिन हम भी तो इतने वर्षों से बंबई में रहते हैं, अब तक तुम इस लड़की को हमारे पास क्यों नहीं लाई? लक्ष्मी देवी ने आपके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर तुमने कैसे जाना कि हम लक्ष्मी देवी के पति हैं? मरने से पहले मुझे एक लॉकेट दे दी जिसमें आपकी और उनकी तस्वीर है। कहाँ है वो लॉकेट? बोला
कल रात से भगवान दास के लड़के की शादी में मैंने आपको देखा तो फौरन पहचान लिया। पूछताछ करने पर आपका नाम और पता भी मालूम हो गया। कमल अंकल, अब तो सबकी कोई गुंजाइश नहीं रही। हमें भी यकीन हो गया कि हमारे ही बेटे। हाँ इधर आओ बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? बिंदिया। सिर्फ बिंदिया? हम तुम्हें बिंदिया रानी कहेंगे। हाँ जी रानी, बिल्कुल रानी, राय साहब की बेटी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारी बिजली जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। हमें जीने का बहाना मिल गया। अब हम अपनी बेटी के लिए जिएंगे। बेटी तुम अपनी मौसी से बहुत प्यार करती हो ना? तुम उनसे कह दो कि तुम्हारे साथ वो यहीं रहे। मौसी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े महल में रहकर मेरा जी घबरा जाएगा। मैं भली मेरी झोपड़ी भली। अगर ये कैसे हो सकता है हमारी बेटी अपनी मौसी से मिलने के लिए झोपड़ी में जाए? नहीं नहीं कमल, तुम इनके रहने को अच्छा सा बंदोबस्त करो। बहुत अच्छा, लेकिन इस खुशी के मौके पर हमारा मुंह तो मीठा कराया जाए। तुम्हारा मुंह मीठा क्यों कराया? हम तो हमारे शहर के सारे दोस्तों का मुंह मीठा कराया। तुम इन्विटेशन कार्ड छपाओ। ये बात हुई ना। लो बेटी ये तुम्हारी माँ की निशानी अपने पास रखो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दे। नहीं नहीं भगवान दास जी, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सालगिरह नहीं है, बात यह है कि हमारी बेटी हमें बरसों के बाद मिल गई है और इस खुशी में आपको शरीक होना ही पड़ेगा। हाँ बाय बाय। बैठो। हम पूछ रहे थे मौसी के रहने का क्या बंदोबस्त किया? हाँ वो एक मैंने अच्छा सा फ्लैट देखा है अंकल, कोई 35,000 रुपया कीमत है। 10,000 रुपया फर्नीचर का लग जाएगा और 2,000-4,000 रुपया इधर उधर, ज्यादा ही है कुछ। कोई बात नहीं, उसके एहसान की कोई कीमत नहीं, मैं चेक लिख देता हूँ। और हाँ वो बिंदिया रानी के लिए एक अच्छी सी एफिशिएंट ट्यूटर की जरूरत है ताकि वो लिख पढ़ ले और हमारी सोसाइटी में घुल मिल सके। मगर देखो मिनी स्कर्ट पहनने वाली ना हो। शीला ये लो, ऑफिस के अकाउंट में जो 40,000 रुपए की कमी थी वो अब इस चेक से पूरी हो जाएगी। अरे देखती क्या हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनो बिंदु को सिर्फ पढ़ाने के लिए तुम्हें नहीं रखा गया है, उसे कुछ सिखाना भी होगा। मैं तो उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हूँ। अरे क्या खाक सिखा रही हो? मतलब है कि यानी हमारे बारे में कुछ पढ़ाओ सिखाओ। ओह जरूर जरूर, ये कौन सी बड़ी बात है। ओह थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। हेलो, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों क्या इरादा है? नहीं नहीं मैंने कैसी तारीफ कर दी। अच्छा, जब कोई मर्द किसी लड़की की तारीफ करता है तो उसका कुछ मतलब जरूर होता है। मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो राय साहब का और आपका सेवक हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। जरूर बताऊँ। नमस्ते। नमस्ते। बेबी कल का लेसन क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं नहीं ए फॉर अशोक। ऑल राइट ऑल राइट। बी फॉर बी फॉर बी फॉर बी फॉर बर्ड। गुड। सी फॉर कैट। बेबी कमल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सी फॉर डॉग। डॉग यानी कुत्ता। कौन है, क्या है? आज तुम डैडी को ऑफिस में लगे? मुझे खुद लेके ले गए, वो ट्राइंगली कुत्ते लेके। शंकर दादा महाबलेश्वर यहाँ से कितना दूर है? मेरा मतलब है वहाँ जाने के लिए कितना दिन लगता है? दिन? हाँ देखो अगर पैदल जाओ तो 8 दिन लगते हैं। बाप रे,
हाँ और अच्छी गाड़ी हो तो 4 घंटे में शंकर दया हो रहे हैं। तो मुझे ले चलो ना। मतलब तुमने राइट साहब से पूछ लिया? अरे गाड़ी को तो मैं ही ऊपर डालूंगी। आप भी उनसे पूछ जाते हैं। अच्छी बात हो दिया ना। मैं महाबलेश्वर जाऊँ। सुनिए महाबलेश्वर जाऊँ? आज तक मैंने कोई हिल स्टेशन नहीं देखा ना। अरे तुम कुछ दिन ठहर जाओ बिंदिया रानी, मैं तुम्हें हिंदुस्तान के सारे हिल स्टेशन दिखा दूंगा। दार्जिलिंग, नैनीताल, शिमला, कोडीकनाल। मुझे पहले महाबलेश्वर जाना है। शंकर दादा ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 4 घंटे में पहुँचा दूंगा। ओ, तो शंकर दादा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है? पट्टी नहीं पढ़ाई, कहाँ। शंकर तुमने बिटिया से कहा कि तुम 4 घंटे में से महाबलेश्वर ले जाओगे? हाँ कहा तो था 60, 65, 70, 75 स्पीड जाऊंगा। 80, 90, 100 जाऊंगा तो फिर 2 घंटे में। नहीं, चाहे 8 घंटे लगे, बिटिया को खैरियत से वहां ले जाओ और शाम को लौटा लाओ, समझे? कल सुबह चले जाना बेटी। 8 घंटे जाने में, 8 घंटे आने में आपको वहाँ क्या क्या देखना है। शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे टू महाबलेश्वर। ये भाई ये किस फिल्म शुरू हो रही है? नेक दुल्हन। नेक दुल्हन? हाँ। इसमें हीरो कौन है? मास्टर पंजू कुमार। मेरी तरह कोई बात से क्या देख रहे हो? अपने बिंदिया को नहीं पहचाना? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मिल गया होगे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, हकीकत है। मुझे छूके तो देख लो। मगर तुम यहाँ आ कैसे गई? एक शानदार गाड़ी में। लो, मालूम होता तुम एक नया मजाक सूझा। नहीं अशोक, वो देखो मेरी गाड़ी है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा विद्या। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या थी और क्या हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मौसी को पता चला कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। अच्छा? और वो एक बहुत बड़े आदमी है। तुम्हारे पिताजी समझते होंगे कि उन्हें दुनिया भर की पूरी दौलत मिल गई। हाँ अशोक, वो मुझे इतना चाहते हैं कि पूछो मत। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। अरे अशोक, तुमने अपने पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पिताजी? और अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया? रहने दो, अब क्या करोगे मेरी माँ से मिलकर? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि अब तुम एक बड़े बाप की बेटी हो। देखो ऐसी बातें करोगे तो मैं रो दूंगी। रोने धोने के दिन कह नहीं दिया। अब तो मेरी एक ही दुआ है, ये मुस्कुराहट तुम्हारे होठों पर हमेशा खिलती रहे। और हाँ, हमें भी कभी कभी याद कर लिया करना। कभी नहीं। जा। ओ सोने ओहो, और गलत सुनो, और नीली जैकेट वाले गलत सुनो। तेरी नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट, और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की।
रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल है उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जाकेट, तेरी जाकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल। कभी तो होंगे पीले तेरे हाथ भी, तेरे हाथ भी। चाहे जमाना कितना रोके, रहूंगी मैं तो जलवा तेरे साथ ही, तेरे साथ ही। अरे मुझे याद मिला है चंचल, मेरे दिल में मचाए हलचल, हलचल ने किया है बेकल और बेकल है अदाएं मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल है उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जाकेट। कलियां बरसे कसम खुदा की, तू तो कोई हूर है, कोई हूर है। प्यार की दौलत मिल गई मुझको, मेरे सवरिया तू भी वही नूर है, वही नूर है। अरे मेरे प्यार की नाजुक डोरी, डोरी से बंधी है गोरी, गोरी ने किया दिल चोरी, बड़ी प्यारी है ये चोरी मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल है उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जाकेट, तेरी जाकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल। अरे नौ बजे से पहले घर पहुंचना चाहिए। बेबी एक बात पूछो। हाँ? ये बाबूजी कौन थे? अभी मत पूछो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, डैडी को भी मत बोलना। कमाल है, नोट का ताला मुंह पे लगने के बाद बोलती बंद अपने तो। वैसे बाप वैसी बेटी, अपना फायदा है अपने क्या। नोना बेबी पीयूटीपू। क्या भाषा है? अरे कभी बट, कभी पुट, कभी फुट। मैंने जिंगू अशोक बाबू। कौन बाबू? अशोक बाबू।
अशोक बाबू मैं आई हूँ। हेलो बिंदिया। हेलो, देखो देखो मेरा नया घर पसंद आया? हाँ बहुत शानदार है। अच्छा क्या देखते हो? ये मेरे पिताजी हैं। ये तो मैं जानता हूँ। अच्छा तो तुम मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ बिंदिया तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक सेठ जी के रुपए चोरी होने से बचाए थे। हाँ हाँ याद है। वो तुम्हारे पिताजी थे? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम और डैडी एक दूसरे को जानते हो। सिर्फ जानने से क्या होता है? क्यों नहीं, अब उन्हें ये कहने में आसानी होगी कि हम भी एक दूसरे को जानते हैं। और चाय रख दी है? चलो अशोक। अरे मुझे कमरे में अकेला छोड़कर यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। अशोक मेरी टीचर मिस लीलावती। यू कैन कॉल मी लीली। हाउ डू यू डू? अरे हाँ अशोक तुम बैठ जाओ। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है? हाँ अशोक मेरे मिलने की खुशी में पिताजी इस बार को बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं। हाँ तुम भी आना और माँ जी को भी लाना। माँ जी तो कहीं। क्यों नहीं, तुमने उनसे मिलवाने का वादा किया था ना? हाँ किया था। हाँ और सुनो शाम से पहले लाना। क्यों? मुझे उनसे बहुत बातें करनी है। अच्छा दादा ले आना। देखो दोनों भूख हड़ताल किए बैठे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अपनी माँ को सताना भगवान का दिल दुखाना है। तो माँ से कहो अपने बच्चों का भी दिल न दुखाए। तो क्या तुम लोग यही चाहते हो कि तुम्हारी फिल्म कंपनी के लिए ये अपना घर मकान बेच दे? हाँ ये घर हमारा है, ये माँ हमारी है, फिर तुम कौन होती बीच में दखल देने वाली? मैं समझूंगी मेरा कोई नहीं, मैं तेरा औलाद हो गई। ऐसा अशोक मत बोलो, मेरे लिए अपने आप को गाली मत दो। मरने वाले ने और मैंने तुझे अपनी बेटी समझा है और ये नीच कहता है तुम दखल देने वाली कौन होती हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ, मुझे दफा होने के लिए क्यों कह रही हो? मेरी आऊंगा मामा, मेरी आऊंगा, मेरी आऊंगा। मामा को तुमने घर से निकाल देता नहीं माँ? हाँ चल दीदी के पाँव पड़ो और माफी मांग। माफी? भूख हड़ताल कहिए ड्रॉ। हाँ ये लीडर नेताओं का काम है, हमारा नहीं। और वो फिल्म कंपनी? माँ और दीदी की जैसी मर्जी, मैं इनके विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं भी नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो। फिर कभी अपनी माँ का दिल ना दुखाना। चलो हम लोग खाना बनाते, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्यों मामा फिल्म कंपनी का भूत उतर गया क्या? अरे उतर नहीं गया बल्कि भाग गया भांजे। अब तू भी भाग जा। भाग, भाग। क्यों रे मोटे, तू दो घंटे भी भूखा नहीं रह सकता था? लल्लो मोटे आदमी का दिल बड़ा नाजुक होता है समझा। लो मेरी आंखों में आंखें डालकर पी लो, शराब दो आतिशा हो जाएगी। ना तो थैंक्स ना तो चीयर्स, ऐसे रूखे मुझसे क्यों दे रहे हो? आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं। लो मैं तुम्हारा मूड बना दूंगी। कौन है? माफ करना कमल बाबू, एंट्री की टाइमिंग जरा गलत हो गई। आइए मौसी। नमस्ते मौसी। आओ भाई श्याम बैठो, कुछ पियोगे? पीने पिलाने पर कब तक तरखाते रहोगे कमल बाबू? और वो मेरे घर का क्या हुआ? अरे
वो मौसी बात ये है कि वो घर राय साहब, हाँ राय साहब एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनवा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए खास तौर पर एक शानदार फ्लैट बन रहा है। कब बनेगा? जब मैं मर जाऊंगी। यही 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा। कमल बाबू, 15 दिन के अंदर मुझे घर मिल जाना चाहिए, याद रखना। सारी स्कूल खोलूंगी, घर ना सही, जेल की कोठरी ही सही, मगर साथ ही चलेंगे जेल में। ऐसा ना कहो मौसी, मुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखो। अरे तुम लोगों का तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हारे लिए मैं जो हो सकता है करने को तैयार हूँ। और मेरे लिए क्या हुकुम? अरे फिलहाल ये 300 रुपए ले जाओ और काम चलाओ। बाकी बिंदिया से मेरी शादी होने के बाद हर महीने 1 तारीख को 1000 रुपए ले जाया करना, ठीक है? ठीक है। चलिए मौसी। कमल बाबू याद रखना, मौसी जो कहती है वो करती भी है, समझे? माँ, क्या है रे? अब देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। मेरे लिए? और नहीं तो किसके लिए माँ? आपने बड़े लोगों के यहाँ जाए तो जरा। बड़े लोगों के यहाँ? हाँ माँ। माँ मैं एक बात कहूँ? कहो। माँ मुझे 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 करता रहेगा, कुछ बोलेगा भी। मुझे गरीब लड़के से प्यार हो गया। क्या? हाँ माँ। अच्छा, तुम मुझसे इसलिए छिपाया कि लड़की गरीब है, लेकिन हम कहाँ के अमीर हैं? अरे हाँ, तुम बड़े लोगों में जाने की क्या बात कर रहा था? माँ तुम्हारी होने वाली बहू की लॉटरी निकल आई है। लॉटरी? लॉटरी? उधर मैं माँ बेशक गया और इधर लखपति बाप मिल गया उसे, और आज यहाँ पार्टी है, और उसने ताकीद की थी कि अपनी माँ को साथ जुड़ लाना। माँ चलोगी ना? चलूंगी, मगर मगर कुछ नहीं, झट से तैयार हो जाओ। विद्या ने कहा था कि मेहमानों की भीड़ भाड़ से पहले आ जाना, ताकि उसको अपनी सास माँ के पास बैठने का वक्त मिल जाए। दीदी जी, अशोक बाबू और उनकी माँ जी आई हैं। माँ जी आई है? एक दूसरे को हैरत से क्या दिख रही हो? माँ जी आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। किसी पर जहर नहीं करूंगा, मुझे भरोसा रखो। तो सुनो,
राय साहब तुम्हारे पिता हैं। राय साहब मेरे पिता? तो फिर बिंदिया क्या? बिंदिया उनकी लड़की नहीं है। तो बिंदिया वहां कैसे पहुंची? उसी लॉकेट के जरिए जो वो गुंडा मुझसे छीन कर ले गया था। जो आदमी मुझे पहले देख गया था वही बिंदिया से शादी करके राय साहब की जायदाद को हड़प करना चाहता है। माँ मैं पार्टी में जा रहा हूँ। सुनो अशोक, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोको माँ। अशोक मुझे गलत मत समझो बेटा, मैंने तुमसे राज इसलिए छुपाया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर अपने पिता के पास न चले जाओ। ये मेरी खुद गलती थी, मगर अब मैं तुम्हें इसलिए रोक रही हूँ कि वहां जाने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी जिंदगी उसी वक्त खतरे में पड़ सकती है जब मैं अपना वहां हक जताऊं। मुझे पिताजी की दौलत का कोई लालच नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि वो बदमाश पिताजी की दौलत के साथ अपने दांत भी डाका डाले। मुझे विद्या पर पूरा भरोसा है, वो ये नाटक खेलने पर मजबूर की गई है। माँ तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि इस राज को उस वक्त तक किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा जब तक इस साजिश के तह तक न पहुंच जाऊं। अच्छा माँ। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई राय साहब के इतनी मुद्दत के बाद आपको अपनी लड़की मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए। हेलो वेलकम मिस्टर जॉनसन, वेलकम वेलकम वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, दिस इज माय डॉटर, लॉन्ग लॉस्ट डॉटर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। थैंक यू थैंक यू। आइए सरदार जी आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम वही टैक्सी चालक हो ना? जी हाँ। लेकिन तुम्हें किसने बुलाया? मैंने बुलाया। अरे अशोक माँ जी नहीं आई? माँ जी तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पिताजी, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जब मैं मौसी के पास थी ना तब से। कमल आइए। तुम तो रवान से हैं। आइए आइए आइए। मेरे बेटी अच्छा बताइए। बिंदु जी मेरी तरफ से एक नाची तोहफा। अच्छा है, यहाँ रख दीजिए। ऐसे नहीं, मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। बालम घर जाई जब मैं तो आँख मिला पछताई। बालम घर जाई जब मैं तो आँख मिला पछताई। बालम घर जाई दिल तो शिकार किया थे नैनों में तीर भर के, बनते हो कितने भोले पंछी को कैद करके। सोचे का क्या जमाना, ओए होए होए ओ हो हो। सोचे का क्या जमाना, दिल से निकाल डालो। मछली है प्याज की मछली, तुम अपना जान डालो। बालम आह बालम हर जाई जब मैं तो आँख मिला पछताई। ओए 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 बालम हर जाई जब मैं तो आँख मिला पछताई। हर जाई
अशोक, शाम को तुम और माजी मुझे बिना कुछ कहे चले क्यों गए? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ओह, अब कैसे है? पहले से अच्छी है। मैं उन्हें अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर दिखाना चाहती थी। उनकी तरह तुम्हारी माँ से बहुत मिलती जुलती है। ये देखो, मैं ये बात डैडी से कहना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। बिंदिया, दो इंसानों का हमशक्ल होना कोई नई बात नहीं है। मालूम होता है लॉकेट तुम्हारी माँ की निशानी है। हाँ अशोक, मेरी माँ ने मरते वक्त ये लॉकेट मौसी को दिया था। उन्होंने इसे संभाल के रखा था, अब मुझे दिया। मौसी ने और कुछ नहीं बताया? बस यही कि मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बिंदिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए एक जगह है। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? लोग तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या जी? उस दिन तुमने इनाम लेकर जिस खुददारी का सबूत दिया था उसकी हम कदर करते हैं। अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी शुक्रिया, मैं इस गरज से यहाँ नहीं आया। हम जानते हैं तुम किस गरज से आए हो, लेकिन याद रखो बिंदिया वो नहीं है जो पहले थी, अब वो हमारी बेटी है, समझे? राय साहब, मैं भी एक बड़े बाप का बेटा हूँ। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? जी, अगर आप ये नाम पूछे तो अच्छा है। जाने दो, लेकिन तुम क्या हो? देखो हम खुद ऊंच नीच से कायल हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करेगा, समझ गए? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, बुरा नहीं मानना। राय साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। अकेले में कहना है, बात बहुत जरूरी है। पार्टी चल रही है, सोच क्यों, कल सुबह आ जाना। अरे मौसी, राय साहब से क्या बात कहनी थी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब तो बात कुछ है। घर बुलाया है इस वक्त? जी हाँ। तुम इतनी रात गए क्यों आए हो? तुमने तो बुलवाया है मुझे। मैंने? तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई है, मैं क्यों बुलवाती तुम्हें? शायद लॉकेट की बात बताने। लॉकेट की बात तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि वो मेरा लॉकेट। तुम्हारा? हाँ मेरा। बताओ तुम इसके बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। तुम ही सब कुछ जानती हो। आज तक बिंदिया के खाते टिक रहा, मगर आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें किसका हाथ है। तुम्हें लॉकेट किसने दिया? नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा गला खोल दूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। बताओ, बताओ। अशोक को बता दिया तुमने कि वो किसका बेटा है? हाँ। उसने अपनी सौगंध रखती तो मैं मजबूर हो गई, लेकिन मेरा अशोक है कहाँ? मेरे कब्जे में। बेटे की जान की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो।
कहीं अशोक आए उसे भी पका कर सीधे अड्डे पर ले जाओ, ताकि माँ और बेटे दोनों एक साथ खत्म कर दिए जाए। पुलिस समझेगी खून करके अशोक अपनी माँ के साथ कहीं फरार हो गया है, समझे? यस बॉस। जाम से जाम टकरा जाए। यू कहो कि जाम के अंदर एक शराब और जाम के बाहर दूसरी शराब। बहुत अच्छा, क्या बात कही है। औरत भी तो एक शराब है, अगर शराब और औरत दोनों मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? सिर्फ दौलत, वो भी आ जाएगी। अरे बहुत जल्द राय साहब की दौलत मेरे कदम चूमेगी। तुम तो नशे में हमेशा डींगे मारते। इस वक्त डींगे नहीं मार रहा हूँ डार्लिंग। ऑफ कोर्स वो खूसट मौसी थी ना, मैंने उसे इस तरह कत्ल किया कि इल्जाम अशोक से आ जाए। अशोक कौन? अरे राय साहब का असली वारिस, वो और उसकी मां दोनों इस वक्त मेरे कब्जे में। बहुत जल्द उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और फिर राय साहब की दौलत होगी, हम होंगे। वो आया। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने माँ और लल्लू को तुम्हारी तलाश में भेजा है, एक गुंडा दीदी को पकड़ ले गया। अच्छा बताओ वो गुंडा मेरी माँ को कहाँ ले गया? मुझे नहीं मालूम, बताओ। तुम ऐसे नहीं बताओगे है? बताओ। गंडाला जज के सामने वाले मकान। बैठी हूँ जाने जाने किसका ख्याल करते हो, प्यार करते हो यार, करके डरते हो यार, यार तुम भी कमाल करते हो, प्यार करते हो यार, प्यार करते हो यार। आपसे क्यों मिलने आए? खुदा की कुदरत है। तुम उनको, हम तुमको देखते हैं। हाँ बेटा आगे बढ़ो, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। मक्कार धोखेबाज, तूने मुझको ही धोखा नहीं दिया बल्कि पिता समान राय साहब से भी तारीख। तुम्हारी असलियत का पता राय साहब को चल गया है कमल बाबू, और वो पुलिस स्टेशन गए हैं। अगर तुमको पुलिस से बचना है तो साफ साफ बता दो कि लक्ष्मी देवी और अशोक कहाँ है। कमल बाबू क्या सोच रहे हो? शंकर दादा ये इस तरह नहीं बताएंगे। अब तो फिर मुझे इससे काम लेना पड़ेगा। कमल बाबू मैं पांच तक गिनता हूँ, अगर आपने पता नहीं बताया तो खाम अगर गोली खराब होगी। गिनो, एक दो तीन। बताता हूँ, मैंने उन्हें खंडाला में टाइगर पॉइंट के एक बंगले में रखा हुआ है।
वरना मेरे आदमी उन्हें मार डालेंगे। अरे बाबू ऐसा ऐसा कीजिए आप यही ठहरिए, हम उन्हें बचा लेंगे। बेबी आओ शीला चलो। मेरा ख्याल है आप आयुष का आराम कीजिए ना। आराम करना वही खेलना वरना याद रखना। शंकर दादा ये पिस्तौल कहाँ से लाए? बच्चों का खेल है ये, मोहित ने बहुत काम दिखाया है। ये है झूठा सच्चा है। पिस्तौल फेंक दो, फेंक दो पिस्तौल। चलो चलो न जान सबको बंद कर दो अंदर। अब मुझे भी। हाँ शंकर दादा अब तुम जरा आराम करो। अच्छा और बात सुनो। चलो अंदर समझाता हूँ मैं बात। बिल्कुल की हाथ ना लग गया हो तो फिर तुम्हारे दोनों आदमियों को यहाँ आ जाना चाहिए था। वो भी नहीं है श्याम बाबू, अशोक गलती से बाजू के घर में घुस गया था, मैंने बाहर से उसे बंद कर दिया। जाओ तुम अशोक को लेकर आओ, पुलिस के आने से पहले इन दोनों को खत्म करना होगा। भगवान के लिए मेरे बच्चे को मैं भगवान की सावन खाकर कहती हूँ उसे लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी। अब क्या फायदा, मैं पहले ही सोच लिया होता, तुमने मेरे अरमानों को पूरा नहीं होने दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करके तुम्हारे और राय साहब के अरमानों को भी पूरा नहीं होने दूंगा। दरवाजा बंद करके और खिड़की खुली छोड़ी, ये तो भूल हुई मुझसे।
शायद मैं इस तरफ देखता हूँ। आ जाओ ढूंढो। और वायरलेस एम्बुलेंस को बुलाओ। रहने दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। वो जैसे पापी का यही अंजाम होना चाहिए। मुझे मरने से पहले सिर्फ इतना कहना है कि मैंने न सिर्फ राय साहब जैसे फरिश्ता सिफत इंसान के साथ गद्दारी की है, बल्कि मौसी का खून भी मैंने ही किया है। जानते हो लक्ष्मी, जब से तुम चली गई तब से मैंने पान खाना ही छोड़ दिया था। तो अब खा लो। तुम खिलाओ तो खाऊंगा। खाकर तूने पान, ओए होए, खाकर तूने पान, कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जा। खाकर तूने पान,